नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज फिर ले चलती हूँ आपको कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित, जिसके रचयिता है कवि नरोत्तम दास जी। कविता पर चलने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी, कुछ बताना चाहूंगी आपको, कुछ चर्चा कर लेते हैं अपन काव्य से संबंधित, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित। सुदामा जी के बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता की मिसाल आज हर कोई देता है, हर कोई जानता है कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। तो उसी का कुछ छोटा सा अंश इस सुदामा चरित्र में दिया गया है। सुदामा चरित्र में सुदामा जी की दीनता गरीबी का पूरा मार्मिक चित्रण किया है कवि ने। कैसे सुदामा अपनी गरीबी से परेशान होकर के, जब उनकी पत्नी उन्हें बार बार आग्रह करती है कि तुम्हारे मित्र द्वारका नगरी के राजा श्री कृष्ण है तो आप उनके पास जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं लेते, जब ऐसा आग्रह उनसे बार बार उनकी पत्नी करती है, तो उस आग्रह को स्वीकार करते हुए जो सुदामा है वो अपने मित्र कृष्ण के पास में द्वारका नगरी में आते हैं। और द्वारका नगरी में जब वो आते हैं तो चारों ओर आलिशान महलों को देख करके उनकी आंखें विस्मित हो जाती है, उनकी आंखें आश्चर्यचकित रह जाती है। जब वो कृष्ण के महल के बाहर पहुंचते हैं तो आपने भजन सुना होगा, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो। उस भजन के अंदर श्री सुदामा जी की संपूर्ण स्थिति का वर्णन उस गीत में हुआ है। तो वही स्थिति आज यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं सुदामा जी के बारे में, कि जब वो द्वारपाल जब सूचना देता है भगवान श्री कृष्ण को कि सुदामा जी आपसे मिलने के लिए आए हैं, कोई दुर्बल सा ब्राह्मण है, उसके ना तो सिर पर पगड़ी है, ना तन पे कपड़े हैं, ना पैरों में जूते हैं, फटे हार कोई ब्राह्मण है, और वो कह रहे हैं कि वो आपका मित्र है। जब कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं तो सुदामा नाम सुनते ही वो सभा से दौड़ते हुए आते हैं और दौड़कर आते आकर सुदामा को गले लगा लेते हैं, उसे लेकर अंदर जाते हैं, उसके चरणों को धोते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, भोजन खिलाते हैं, वस्त्र देते हैं पहनने के लिए, उन्हें उनके मतलब पूरे सम्मान के साथ उन्हें रखते हैं। और जब उन्हें विदा करते हैं तो एक रुपया भी, एक पैसा भी उन्हें नहीं देते, यहाँ तक कि जो कपड़े उनको पहनाए थे वो कपड़े भी वापस वहीं रख लेते हैं और उन्हीं पोशाक में जिसमें वो आए थे उसी पोशाक में उसे वापस भेज देते हैं। तो सुदामा को ये महसूस होता है, ये फील होता है कि मेरा इतना अच्छा मित्र है, इतना अमीर मित्र है, लेकिन इसने मुझे विदा करते समय कुछ नहीं दिया। इस बात को लेकर कि जब वो अपने घर आते हैं तो अपने घर पर जब वो देखते हैं, अपने गांव में आते हैं तो उन्हें अपना घर नहीं मिलता, जब उन्हें गांव ही नहीं मिलता, अपने घर ही नहीं मिलता, वो आसपास बड़े बड़े महलों को देखते हैं, उनकी झोपड़ी कहीं गायब हो जाती है, कहीं नजर नहीं आती है, तो उन्हें जब ये एहसास होता है कि ये मेरा ही गांव है, आसपास के लोगों से पता चलता है कि उनका जो छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर था, वो आलीशान महल बन गया है, नौकर चाकर उनके काम करने लगे हैं, जहां उनके पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं है वहां उनके लिए हाथी घोड़े की सवारियां हो गई है, खाने के लिए दो वक्त का भोजन जिन्हें नसीब नहीं होता था, भिक्षा जिन्हें नहीं मिलती थी, उन्हें अब तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। जब उन्हें एक स्थिति पता पड़ती है तो वो मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं ऐसा मित्र सभी को मिले। तो इसी मित्रता के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे जो सुदामा जी है वो जाते हैं और कैसे वो अपने मित्र से मिलते हैं। लेकिन रचना को पढ़ने से पहले रचना को लिखने वाले कवि के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए पहले कवि के बारे में जानते हैं, नरोत्तम दास जी के बारे में। नरोत्तम दास जी का जन्म सन 1493 और संवत 1550 में हुआ था। इनका जन्म वाड़ी सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु अज्ञात है, किसी को भी नहीं पता कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई। कर्म क्षेत्र यानी इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किए, केवल इन्होंने कवि का कार्य किया, केवल रचनाएं लिखने का कार्य किया। इनकी मुख्य रचनाओं में सुदामा चरित और ध्रुव चरित केवल दो ही मानी जाती है मुख्य। सुदामा चरित तो सब जानते हैं लेकिन ध्रुव चरित नहीं मिलती है। विषय सगुण भक्ति, यानी इन्होंने जो रचनाएं लिखी उन रचनाओं का विषय क्या था, सगुण भक्ति। अब सगुण भक्ति क्या होता है, जब हम ईश्वर का रंग रूप आकार मान करके, कल्पना करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सगुण भक्ति कहलाती है। जैसे मीराबाई ने की थी, तुलसीदास ने की थी और सूरदास ने की थी, रसखान ने की थी। लेकिन जब हम ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते, कोई रूप नहीं मानते, कोई रंग नहीं मानते हैं, तो ऐसी जब भक्ति की जाती है, ऐसा जब धर्म को निभाया जाता है, वो क्या कहलाता है, निर्गुण भक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्गुण भक्ति कहलाता है। जैसा कबीर दास जी ने की थी, जैसा दादू दयाल जी ने की थी, ठीक है। तो ये थी कौन से उसके थे, ये सगुण भक्ति के कवि थे। इनकी भाषा अवधी हिंदी और ब्रजभाषा रही और नागरिकता इनकी भारतीय थी।
ये तो हमने संक्षेप में देखा इनका परिचय। अब हम देखते हैं इनका परिचय थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। नरोत्तम दास सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें नरोत्तम दास ने सुदामा के घर की दरिद्रता का मार्मिक चित्रण किया है। यद्यपि यह छोटा है लेकिन इसकी रचना बहुत ही सरल और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देने वाली है। भाषा भी बहुत परिमार्जित है, व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने एक और खंड काव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा लेकिन वह मौजूद नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा उसको। शिवसिंह सरोज में संवत 1602 तक इनके जीवित होने की बात कही गई है। शिवसिंह सरोज क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जिन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है उनमें शिवसिंह सिंगर भी है और जॉर्ज ग्रियर्सन भी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो शिवसिंह सरोज शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित रचना है, ठीक है। तो इस रचना के अनुसार 1610-1602 संवत तक ये जीवित माने गए हैं। इन पंक्तियों के लेखक के आदरणीय स्वर्गीय पितामह यानी शिवसिंह सरोज जी के पितामह यानी दादाजी और पिताश्री यानी पापा, ठीक है। इन दोनों के पास में कौन सा गांव था? अलीपुर गांव, जहां के मूल निवासी होने के कारण इस महान कवि के जन्म स्थल पर अंग्रेजों के समय से चलने वाले एकमात्र विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने का इन्हें सौभाग्य मिला, जिससे वहां प्रचलित जनश्रुतियों को निकटता से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और उन जनश्रुतियों के आधार पर ये कौन से ब्राह्मण माने गए? ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण माने गए, यानी जहां पर ये पैदा हुए थे। कौन? नरोत्तम दास जी। वहां पर शिव सिंह सेंगर जी के दादाजी और पिताजी को शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जनश्रुतियों के अनुसार यानी वहां के आसपास के लोगों से उन्हें पता पड़ा कि इनकी जाति कौन सी थी? कान्यकुब्ज ब्राह्मण की। फिर इसके अतिरिक्त इनके संबंध में अन्य प्रमाणिक अभिलेखों में जॉर्ज ग्रियर्सन का अध्ययन है जिसमें उन्होंने महाकवि का जन्मकाल संवत 1610 माना है। वस्तुतः इनके जन्मकाल के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं लेकिन शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन के मत अधिक समीचीन में प्रमाणित माने गए हैं, जिसके आधार पर सुदामा चरित्र का रचनाकाल संवत 1582 में न होकर के सन 1582 या फिर संवत 1636 होगा। 1582 संवत नहीं है, सन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में नरोत्तम दास के जन्म का उल्लेख संवत 1545 में होना माना है। इस प्रकार अनेक विद्वानों के मतों के आधार पर इनके जीवन काल का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में 1493 ईस्वी से 1582 ईस्वी किया गया है। नरोत्तम दास हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य में ऐसे लोग विरले ही हैं, बहुत कम हैं जिन्होंने एक या दो रचनाओं के आधार पर अपने आप को मील का पत्थर साबित किया है हिंदी साहित्य के अंदर। तो ऐसे ही कवि कौन है? नरोत्तम दास जी, जिन्होंने सुदामा चरित के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दाखिल की, उपस्थित की। यानी उनकी एकमात्र रचना जो सुदामा चरित है, इस सुदामा चरित के आधार पर ये स्तंभ के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में देखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम सुदामा चरित। सुदामा चरित के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सुदामा चरित क्या है। सुदामा जी की गरीबी का पूरा वर्णन यहाँ पर कवि ने किया। जब वो कृष्ण से मिलने जाते हैं तो क्या स्थिति होती है वहाँ, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम 3 पद पढ़ेंगे, उसके अगले वाले वीडियो में हम आगे के पद पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। शिष पगाना जंगा तन में प्रभु जाने को आने बस कहीं ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाए उपान नहीं को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावते आपनो नाम सुदामा। अब सुदामा जी अपनी नगरी से चल करके कहां गए? द्वारका गए और द्वारका में वो भगवान कृष्ण के महल के बाहर खड़े हैं और द्वारपाल से कह रहे हैं कि जाओ मेरा मित्र अंदर बैठा है, कृष्ण मेरा मित्र है, बाल सखा है, मेरा बचपन का साथी है, उसे बुला दो, मैं बड़ी दूर से चलकर आया हूँ और बहुत मनुहार लेकर के उसके पास में आया हूँ, तुम मेरे मित्र को बुला दो। जब द्वारपाल ऐसी स्थिति में उसको देखता और कहता है कि तुम मेरे जो राजा है द्वारका के जो राजा है श्री कृष्ण उनके मित्र हो, तो उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन बार बार विनती करने पर
पर बार बार विनती करने पर द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण के पास जाकर के उनकी दशा का वर्णन करता है। क्या कहता है कि शीश पगान झुंगा तन पे, कि प्रभु कोई बाहर पथिक आया हुआ है, एक यात्री आया हुआ है, एक याचक आया हुआ है, वो कहता है कि उसके सिर पर ना तो पगड़ी है। द्वारपाल वर्णन कर रहे हैं सुदामा जी का कि ना तो उसके सिर पर पगड़ी है, ना ही उसके तन पर कोई कपड़ा है, ठीक है, झंगा यानी कोई प्रकार का कपड़ा उसके सर पे नहीं है, ढीला कुर्ता, ठीक है। प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, और वो आपका पता पूछ रहा है कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे। धोती फटी सी लटी दुपट्टी की, उसकी धोती भी फटी हुई है, उसने जो गमछा डाला हुआ है, दुपट्टी जो उसका अंगोछा है जो उसने गले में धारण कर रखा है, वो भी मैला सा है, कुचैला सा है, वो भी गंदा सा है। और उपाय उपानर को नहीं समा, और नंगे पैर है, उसके पैरों में पहनने के लिए जूती भी नहीं है उसके पास में। द्वार खड़ो द्वित दुर्बल एक, क्योंकि द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है, रयो चकिसो बसिदा अभिरामा, कि वो चकित होकर के सारी द्वारका नगरी को निहार रहा है, देख रहा है, वो आश्चर्यचकित हो रहा है द्वारका नगरी को देख करके। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो है दयानिधि आपके धाम के बारे में पूछ रहे हैं, आपके निवास के बारे में पूछ रहे हैं, बतावते आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सुदामा को परिचय दे दिया द्वारपाल ने, अब क्या होता है। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धीरोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पर जब सुदामा का नाम सुना, सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण भगवान नंगे पैर दौड़ते हुए सुदामा से मिलने के लिए आते हैं, मतलब बद हवास से होकर के जब सुदामा का जैसे ही नाम सुनते हैं, सुदामा का नाम सुनते ही वो नंगे पैर सभा से दौड़ते हुए आते हैं। रानियां देखती रह जाती है, महल में जो मंत्री होते हैं वो देखते रह जाते हैं, द्वारपाल भी देखते रह जाता है कि ऐसा कैसा व्यक्ति है, इतना निर्धन इतना गरीब व्यक्ति है जिसके लिए भगवान स्वयं दौड़े दौड़े आ रहे हैं, चले भागे चले आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो सुदामा की दशा देखते हैं, कौन, भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा की दशा देखते हैं तो क्या दशा है, देखो उनकी ऐसे बेहाल बिवाइन सो, उनकी एड़ियां फटी हुई है, बिवाइयां उनकी बहुत फटी हुई है, पग कंटक जाल लगे पुनी जो, और उनके पैरों में जगह जगह कांटे लगे हुए, क्योंकि नंगे पैर चल के आए, उनके पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे, तो नंगे पैर वो सफर करके आए, यात्रा करके आए, और इस यात्रा से उनके पैरों में कांटे चुभ गए हैं। हाय महादुख पायो सखा, अब वो कह रहे कि हाय महाशय मेरे सखा, तुमने बहुत दुख पाया, तुम आए इतना कितने दिन हुए कि तुम यहाँ क्यों नहीं आए, इतने दिन तुमने दुख को क्यों भोगा, अर्थात तुम्हें पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की इतनी दयनीय दशा देख करके करुणा करके करुणा निधि, जो करुणा के सागर है, करुणा निधि कौन, भगवान श्री कृष्ण जो दूसरों पर दया करने वाले हैं, दया के सागर है, दया के भंडार है, उनके मन में सुदामा के प्रति दया आती है, और दया करके वो रोने लगते हैं, यानी सुदामा की इतनी दयनीय स्थिति देख करके उन्हें रोना आ जाता है। और पानी परात को हाथ छुए नहीं, अतिथि के सत्कार के लिए उसके चरणों को जल से धोया जाता है, उसके चरणों को पखारा जाता है, और उसी कार्य के लिए कृष्ण ने जो जल मंगाया था उस जल को छुए बिना ही उन्होंने उनके चरण धो दिए, अर्थात उनकी दयनीय स्थिति को देख करके, उनकी दयनीय दशा को देख करके श्री कृष्ण की आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और उन्हीं आंसुओं से वो सुदामा के चरणों को पखार रहे हैं, धो रहे हैं। आगे है, अब श्री कृष्ण ने बहुत आदर सत्कार कर दिया सुदामा जी का, आदर सत्कार करा, खूब पेट भर खाना खिलाया, खूब अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए, खूब उनकी आग भगत की, खूब नौकर चाकर लगाया उनकी सेवा में। अब सुदामा जी विदा हो गए, अब जब विदा होके वो कृष्ण जी के महल से बाहर आ गए तो कृष्ण जी ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, और इस बात का उन्हें मलाल है, इस बात का उन्हें अफसोस है कि देखो मेरे मित्र को मेरी सारी स्थिति पता है, मेरी गरीबी का पता है, मेरे हाल सारा हाल उन्हें पता है, लेकिन फिर भी इसने मुझे जाते समय कुछ भी भेंट नहीं दी, कैसा मित्र है। देखो कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे। अब यहाँ पर भेंट जाने से पहले जो सुदामा की पत्नी थी उन्होंने सुदामा जी को आस पड़ोस
भिक्षा तो मिली नहीं थी, तो आस पड़ोस से थोड़े से चावल ला करके दिए थे और वही चावल पोटली में बांध करके सुदामा को दिए थे कि जाकर कृष्ण को ये भेंट दे देना। अब होता क्या है, जब सुदामा यहाँ आते हैं, चरण वगैरह पखार दिए, उनको आदर सत्कार दिया जाता है, जब उन्हें बिठाया जाता है, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वार्तालाप के समय कृष्ण जी की नजर कहाँ पड़ जाती है, उस पोटली पर पड़ जाती है। और जब उस पोटली में नजर पड़ती है तो कृष्ण कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम कहानी न देत, कि मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा, तुम क्यों नहीं देते हो। चापी पोटली काख में रहे कहो कि हेतु, कि तुमने जो काख में पोटली दबाई हुई है ना, काख यानी बगल में, कि बगल में तुमने जो पोटली दबाई है ना, किस कारण दबाई रखी है बताओगे। आगे चना गुरु मात दये थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, कि मुझे याद है बचपन में तुमने शरारत की थी। क्या शरारत की थी, कि गुरु माता ने जब कृष्ण जी और सुदामा जी संदीपन ऋषि जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, तो उस समय लकड़ी काटने के लिए वो जंगल जाते हैं, तो जाते समय जो सुदामा जी है उनको गुरु माता कुछ चने देती है कि दोनों चने बांट के खा लेना आधे आधे। लेकिन होता क्या है, कृष्ण जी को तो पता भी नहीं होता और सुदामा जी सारे चने चक्कर जाते हैं, तो उसी समय कह रहे हैं कि पहले भी तुम्हें गुरु माता ने चने दिए थे जिनको तुम अकेले ही खा गए थे और मुझको नहीं दिया था। श्याम कहो कहे मुस्काए सुदामा सो, कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके सुदामा से कहते हैं, चोरी की बांध में हो जो प्रवीण है, कि तुम तो बचपन से ही चोरी करने में प्रवीण हो, निपुण हो। पोटली कांखों में चापी रहे तुम, कि तुमने जो कांखों में पोटली दबाई हुई है ना, खोलत नाय सुधार सुबीने, कि इसको तुम खोलो, इसमें अमृत के रस से सींचे हुए दाने हैं, भेंट है इसके अंदर अमृत से सींची हुई, क्योंकि प्रेम से भेजी हुई भेंट है वो, किसके द्वारा, सुदामा जी की पत्नी के द्वारा, जो कि श्री कृष्ण की भाभी हो गई। पांचवी बाने अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुर ने, कि जैसा तुमने पिछली बार किया था मेरे चनों को खा करके, इस बार ऐसा मत करना, क्योंकि मेरी भाभी ने बहुत प्रेम से ये भेंट भेजी है और तुम मुझे ये भेंट, ये जो चावल है ये मुझे दे दो, क्योंकि ये मेरे हिस्से के हैं। ठीक है, तो ये था सुदामा चरित का भाग एक। कैसा लगा आपको, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे सुदामा चरित का सेकंड पार्ट लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।